हेलो फैमिली, वेलकम। छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। छठ माँ की कृपा सभी पे बनी रहे। तो आज मैंने अपने ब्लॉग की शुरुआत की है सुबह 11 बजे से। नाश्ता हो चुका है, सब काम हो चुका है, थोड़ा मार्केट जाना है मुझे। मैंने आपको बताया था कि मेरी जो बहू है, जो मुंबई में रहती है, बहू यानी कि मेरी ननद की बहू, हम लोग को भी बहू लगेगी वो, तो वो आई हुई है। तो उसकी तो सारी शॉपिंग कर ली है हमने, बस कॉस्मेटिक आइटम बाकी है, तो वही लेने अभी जाना है। पति देव आएंगे तो जाऊंगी मैं, फिर उधर से आके अपना दोपहर का जो भी चावल वगैरह बनाना है बनाऊंगी, और आप लोगों को दिखाऊंगी कि बाजार में कैसी रौनक है छठ पूजा को लेके। तो चलिए दिखाती हूँ आपको। तो सारे कॉस्मेटिक आइटम्स ले लिए हैं मैंने यहाँ से। अरे आप तो हाई कर दीजिए, इतना बार आपके यहाँ आते हैं, हाई कर दीजिए, मिल लीजिए YouTube फैमिली से, हाई कर दीजिए। परी तुम भी मिल लो बेटा, आ जाओ। ये है परी, दुकान का क्या नाम है बता दो, क्या नाम है? परी सिंगर। और देखिए छठ पूजा को लेके बाजार कैसे सजा हुआ है। यहाँ लकड़ियाँ मिल रही हैं, चूल्हा पे खाना बनता है, टोकरी है, टोकरी को हम लोग डाला बोलते हैं, इसमें सारे फल करके ले जाते हैं घाट पे। देखिए दिया, अब कोशी भरते हैं हम लोग, कोशी जो भरते हैं, जो छठ करते हैं, जो कोशी भरते हैं। तो आपको जो दिख रहा है जो हाथी, ये ले जाते हैं वो लोग। ये देखिए सारे मिट्टी के बर्तन। इस पूजा में सारे प्राकृतिक सामान का ही उपयोग होता है, बांस, मिट्टी, लकड़ी। देखिए सूप, इसमें सारा पूजा का सामान रख के हम लोग सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं। जिस मार्केट में मैं आई हूँ वहाँ ये स्कूल है, देखिए सरस्वती शिशु विद्या मंदिर। देखिए ये मैं आप लोग को इसलिए दिखा रही हूँ कि मेरे हस्बैंड ने यहीं से पढ़ाई की है, तो मैंने सोचा आप लोग को भी दिखा दूँ। ये देखिए काफी बड़ा कैंपस है यहाँ पे। और ये देखिए आ गए हनी, मेरे भगना, जिनके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। वेलकम हनी, कैसे है? बस बढ़िया है। बहू रानी कल आएगी? कल आएंगी, हाँ बिल्कुल। चलिए दोस्तों, मेरे यहाँ नहाए खाए का प्रसाद भी आना शुरू हो गया है। चलिए मैं दिखाती हूँ कि प्रसाद में क्या क्या आया है। कि आज नहाए खाए के दिन बनता है चावल, अरवा चावल जो खीर का चावल होता है उसका आज भात बनता है, चना का दाल बनता है, ये कद्दू का क्या बचका हम लोग बोलते हैं, पकौड़ी जो भी बोल लीजिए, और ये आलू गोभी की सब्जी, ये कद्दू की सब्जी। आज नहाए खाए का यही प्रसाद है, इसका टेस्ट तो गजब का रहता है, बहुत अच्छा टेस्ट रहता है दोस्तों। तो नहाए खाए का प्रसाद खा लिया हमने, बहुत ही अच्छा लगा। और दोस्तों अभी पूरा माहौल भक्तिमय है, हम लोग भी, मैं भी मार्केट भी गई थी, चाहे बाहर जाइए तो इतना अच्छा लगता है, पूरा माहौल भक्तिमय हो गया है। सच में ये बहुत बड़ा महापर्व है। तो अपना ब्लॉग भी मैं यही खत्म करती हूँ। और छठ पूजा में क्या क्या होता है, कहाँ हम लोग प्रसाद खाने जाएंगे, कैसे पूजा होगी, मैं कोशिश करूंगी आप लोगों के साथ शेयर करने की। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय छठी मैया, बाय।